भारत बंद में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज की धार से चंद्रशेखर आजाद छा गए। ऐसा माहौल बनाया कि देखने वाले देखकर रह गए दंग। ओसोलो की हवा को आंधी में तब्दील कर चंद्रशेखर ने मोदी सरकार को पहले दे दी बड़ी चेतावनी और फिर अपने समर्थकों से बस एक वाक्य से, आगे क्या उन्हें करना है उसके लिए दे दिए संकेत। जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत बंद में अंबेडकर की तस्वीर लेकर सड़क पर बैठे चंद्रशेखर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। वहीं उत्तर प्रदेश में भारत बंद का बसपा और सपा जैसी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया, लेकिन यूपी की ही एक पार्टी ऐसी दिखी जिसकी सर्वे सर्वा खुद सड़कों पर उतर आए, खुद को आम जनता की तरह ट्रीटमेंट देकर एक अलग तरह का संदेश सियासत की दुनिया के दिग्गजों को दे दिया। दोनों हाथ में 21 अगस्त को भारत बंद का पोस्टर लेकर चंद्रशेखर अपने समर्थकों को जगाने पहुंचे, सरकार से लोहा लेने के लिए सड़क पर उतरने का आह्वान किया और फिर 21 अगस्त आई तो चंद्रशेखर खुद सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत बंद में प्रदर्शन करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की। तस्वीरों के साथ नगीना सांसद ने लिखा, उसूलों पे जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। चंद्रशेखर के सड़क पर उतरने के साथ ही एक अलग तरह का माहौल बन गया। इतनी भीड़ उमड़ी कि सरकार की नींद तो जरूर उड़ी होगी। चंद्रशेखर की एक आवाज पर उनके समर्थकों ने ऐसा शोर किया कि अलग तरह का संदेश निकलकर सामने आया। राजनीति के धुरंधर समझ रहे होंगे कि आने वाले दिनों में अब दलित समाज के कैसे युवा नेता की फौज से उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा, जिसके साथ उनके पक्के समर्थकों की फौज है जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये भीड़ तो इसी बात की गवाही दे रही, चंद्रशेखर की राजनीति बाधाओं को चीरते हुए रफ्तार के साथ दौड़ रही। कहने वाले तो कह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी क्रांति का नाम है जिसकी एक आवाज पर देश के कोने कोने में रहने वाले लाखों लोग किसी भी पल देश को थामने के दम रखते हैं। बहरहाल भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बिजनौर, अलीगढ़, हापुड़ समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी सहित तमाम दलित संगठन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ही अलग अलग श्रेणियां बनाने की राज्य सरकार को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का सबसे अधिक फायदा जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। ऐसे में इस फैसले के खिलाफ दलित संगठनों के साथ कई राजनीतिक पार्टियों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया। प्रदर्शन में कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है।